Assalamualaikum viewers, Suvatsu take online Urdu free tutorial ke saath hazir hain. Main hoon Imtiaz, Ahmad instructor. To Corel ke naye topic ki taraf chalte hain, apne content ko check karte hain. Color and attribute eyedropper, to is tool ko hum discuss karenge. To Corel ki application ko kholte hain. अच्छा, तो कोरल ड्रा की एप्लीकेशन को खोला हमने. आई ड्रॉपर लास्ट में फ़ोन नंबर पे हैं. तो बेसिकली ये कलर पिकर के लिए यूज़ होता है. फ़र्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट का कलर है, आप दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, तो कोरल आई ड्रॉपर से इजीली हो जाता है. और फ़र्ज़ करें हम एक रेक्टेंगल को ड्रॉ करते हैं और उसमें कोई कलर सेलेक्ट करते हैं. कलर को मैंने सेलेक्ट किया और रेक्टेंगल को साइड पे रखा. अब एक दूसरा शेप बनाते हैं या कोई सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो हम चाहते हैं कि इस कलर को इस सर्कल में ट्रांसफ़र करें, तो आई ड्रॉपर के ज़रिए हम इस तरह कर सकते हैं. तो आई ड्रॉपर को सेलेक्ट करते हैं. आई ड्रॉपर को मैंने क्लिक किया. अब कलर जिस तरह भी हो वो आपको शो करेगा. हमने क्लिक किया और उठा के सेलेक्ट कलर भी आपको बताता है कि कौन सा कलर है, कौन सा कलर पिक हुआ है आई ड्रॉपर के ज़रिए. और अब यहाँ पर हम इसको क्लिक करेंगे तो कलर इससे ट्रांसफ़र हो जाएगा दूसरे ऑब्जेक्ट में. तो एग्जैक्ट वही सेम कलर है जो रेक्टेंगल से सर्कल में हमने सेंड किया. और आप कोई भी कलर उठा सकते हैं, जो भी कलर हो, और फर्स्ट कलर डेस्कटॉप से भी आप कोई कलर चूज़ कर सकते हैं. सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप, ये लिखा है प्रॉपर्टी बार. इसको अगर हम सेलेक्ट करें और डेस्कटॉप से उसको मैंने क्लिक किया, अब उसी ऑब्जेक्ट में हम वही कलर भी डाल सकते हैं. फर्स्ट कलर दो तीन चार रेक्टेंगल मैंने ड्रॉ किए और आई ड्रॉपर यहाँ पर सेलेक्ट है. यहाँ पर फिर अप्लाई कलर करेंगे तो वो कलर अप्लाई हो जाएंगे सारे रेक्टेंगल में, जहाँ में आप इसको लगाना चाहते हैं लगा सकते हैं. अगर फर्ज करें डेस्कटॉप को हम ओपन करें और डेस्कटॉप से कोई कलर लेना चाहें, तो इजीली हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं आई ड्रॉपर के ज़रिए. और आई ड्रॉपर को मैंने क्लिक किया. अब डेस्कटॉप से कलर लेना चाहते हैं तो सेलेक्ट फ्रॉम डेस्कटॉप करेंगे. और ये स्काइप का जो आइकन है, इसका कलर हमें चाहिए, इसको मैंने क्लिक किया. और क्लिक करने के बाद आई ड्रॉपर ने कलर पिक किया है. अब जिधर भी हम इसको लगाना चाहते हैं उसी ऑब्जेक्ट पे हम लगा सकते हैं. फर्ज करें एक दूसरा सर्कल इससे कॉपी किया मैंने, छोटा किया और उसको भी कॉपी किया और ऊपर हम उसको लगे गए तो बिल्कुल स्काइप की आइकन बन चुकी हैं. इसमें हम अगर टेक्स्ट एस लिख के तो ये एग्जैक्टली स्काइप की आइकन नज़र आएगी. अच्छा, अब दो कलर हैं, एक थोड़ा डिम सा है वाइट और ब्लू है. अगर इसको हम आई ड्रॉपर के ज़रिए किसी और ऑब्जेक्ट में लेके जाना चाहें और यहाँ पर वन बाई वन सैम्पल लकर ऑफ आप सिंगल पिक्सल वन पिक्सल तक आपको कलर देता है कलर आई ड्रॉपर. तो फर्स करें इसको मैंने क्लिक किया. अब किसी और ऑब्जेक्ट में इसको लेके जाते हैं तो वही एग्जैक्ट वन पिक्सल तक कलर ये चूज़ करता है और फिर आपको शो करता है कि ये वही कलर
एग्जैक्ट पूरे रेक्टेंगल का कलर आपको नहीं देगा इस ऑप्शन में, इसमें टू पिक्सल तक आपको देता है, 2x2 पिक्सल एरिया का कलर ये चूज करता है। और आप किसी और ऑब्जेक्ट में अगर इसको लेके जाएं तो इसी तरह 2x2 पिक्सल आपको कलर चूज करके देगा। इस तरह मैंने क्लिक किया, अब उस ऑब्जेक्ट में लेके जाएंगे तो 2x2 कलर एग्जैक्ट आपको शो करता है। और ये है 5x5 पिक्सल, तो इस ऑप्शन को आप क्लिक करें तो 5x5 पिक्सल कलर आपको पिक करते हैं, फिर उसको आप किसी ऑब्जेक्ट में लगा सकते हैं। सेलेक्टेड कलर है ये एड टू प्लेट नीचे डॉक्यूमेंट एक प्लेट होती है, उसमें ये कलर सेव हो जाते हैं ताकि बार बार इस कलर को आप ना ढूंढें। ये प्लेट में आपके जो कलर पिकर आई ड्रॉपर पिकर ने उठाए हैं वो सारे कलर आपको यहाँ सेव करके डॉक्यूमेंट प्लेट में डाल देते हैं, तो आप इजीली फिर उसको चूज करते हैं और किसी ऑब्जेक्ट में उसको लगा सकते हैं। एट्रीब्यूट आई ड्रॉपर, ये ऑप्शन एक ख़ास मकसद के लिए यूज़ होता है। फर्ज़ करें एक ऑब्जेक्ट है, उसमें आपने काफ़ी चेंजेस की हैं और उसमें कई आपने एट्रीब्यूट्स डाले हैं, कलर डाला है, शेडो डाला है, इस तरह उसको रोटेशन दिए हैं, कोई और चीज़ दिए हैं, तो वो सारे इफ़ेक्ट्स को कॉपी करता है और किसी ऑब्जेक्ट में आप लग के जाते हैं तो उस ऑब्जेक्ट पे वही इफ़ेक्ट्स सारे अप्लाई हो जाते हैं। तो फर्स्ट करें इस सर्कल को मैंने ड्रॉ किया, इसको मैंने आउटलाइन दी और आउटलाइन की हेल्प भी मैंने ज़्यादा की, उसमें शेडो लेके आए, एक्सट्रूड भी करते हैं उसको। एक्सट्रूड किया मैंने इस पूरे ऑब्जेक्ट को, अब किसी और ऑब्जेक्ट को हम साथ पे रखते हैं, इसको शेडो भी देते हैं और ये पॉलीगन हमने ड्रॉ किया, ठीक है। अब इस पॉलीगन पर हम ये सारे एट्रीब्यूट आईड्रॉपर के ज़रिए ये चाहते हैं कि इस पे आ जाए, तो इसको मैंने क्लिक किया और इसको हमने इस यहाँ पर छोड़ दिया तो ये कलर और आउटलाइन तो आ गए लेकिन बाकी इफ़ेक्ट नहीं आए। तो ये असल में इस तरह है कि शेडो भी नहीं उठाया, एक्सट्रूड भी नहीं अप्लाई किया, तो ये ऑप्शन अच्छा। इधर प्रॉपर्टी बार में प्रॉपर्टीज़ में तो सारी सिलेक्शन हो चुकी है, आउटलाइन फिल टेक्स्ट ये तो ओके है, ट्रांसफॉर्मेशन में अभी कोई सिलेक्शन नहीं हुई, तो इफ़ेक्ट्स में भी कोई सिलेक्शन मेरे ख्याल में नहीं है। इस तरह हम इसमें सिलेक्शन करेंगे, चेक करेंगे, फर्ज कर एक्सट्रूड को मैं चेक करता हूँ, ड्रॉप शेडो को चेक करता हूँ, ओके करता हूँ, ठीक है। और ट्रांसफॉर्मेशन में साइज या रोटेशन इस तरह इसको हम सेलेक्ट करते हैं तो अब ये अपना इफ़ेक्ट इस पर अप्लाई करेगा। शेडो भी अप्लाई किया, एक्सट्रूड भी अप्लाई किया, तो वहाँ से आप सिलेक्शन कर सकते हैं किसी ऑब्जेक्ट की। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको इजीली ये आपको अंडरस्टूड हो गया होगा, इस तरह पे हम इफेक्ट्स एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करते हैं। अब ये एक और ऑब्जेक्ट मैंने इसको कलर दिया, रोटेशन दिया, एक और ऑब्जेक्ट को ड्रॉ करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके सारे इफ़ेक्ट्स इस ऑब्जेक्ट में ट्रांसफ़र हो जाए, तो इसको मैंने क्लिक किया और इस पर हमने छोड़ दिया तो एग्जैक्टली वो सारे इफ़ेक्ट इसमें आ गए। तो ये है अच्छा साइज रोटेशन इन सारों को इसने किया। अब छोटा भी है तो इसको हम चाहते हैं कि एग्जैक्ट सेम वही तरह हो जाए, इसकी रोटेशन भी हो जाए, तो आप इजीली एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट को कर सकते हैं। तो उम्मीद है व्यूअर्स आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जाए।